भारत की माया नगरी यानी कि मुंबई, और उस मुंबई की मायावी छवि को प्रदर्शित करने वाली कंगना रनौत, ये नाम आपने बखूबी से पहले सुना होगा और देखा भी होगा, समझा भी होगा। वो चाहे नकली फिल्म की हीरोइन की शूटिंग करने में या अनाप शनाप अपने बेतुके बयानों से, या यूं कहें कि अनाप शनाप ऐसे तरीकों से जिसको लेकर भारत में आक्रोश या हिंसा जैसी बातें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि आज हम इस वीडियो में उस मुद्दे की बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिसके बाद में कंगना रनौत का अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड ऐसा किया गया कि अब आने वाले वक्त में यानी कि भविष्य में उसको खोलकर कभी नहीं देखा जा सकता। हालांकि समझिएगा आप सिलसिलेवार तरीके से। नमस्कार, मैं मौजूद हूं दुर्गेश मिश्रा एक नए मुद्दे के साथ। इस बार कंगना रनौत ने तो ऐसा कर दिया कि सीधे मानो अब देश की सत्ता पर कंगना रनौत राज करेंगी, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। कैसे नहीं छोड़ा, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में क्या लिखा है आप पढ़िए। इसमें लिखा है, दिस इज ऑनरेबल, वी नीड सुपर गुंडई टू किल गुंडई, सी इज लाइक एन अनलेस्ड मॉन्स्टर टू टाइम हर मोदी जी, प्लीज शो योर विराट रूप फ्रॉम एयरली 2000s। इसका जो पूरा मतलब है वो सीधे तौर पर ये निकलता है कि मोदी जी अब अपना विराट रूप दिखाइए सन 2000 वाला। ऐसा क्यों बोला, पिछले दिनों आपने देखा कि बंगाल में चुनाव, और चुनाव के बाद जिस तरीके से बीजेपी पार्टी अपने दमखम के साथ मौजूद थी बंगाल में, लेकिन वहां से उसकी नाकामी हाथ लगी। उस नाकामी के हाथ लगने से तिलमिलाई कंगना रनौत सीधे तौर पर अब उकसाने वाले बयान यानी कि उकसाने वाला ट्वीट किया, और ममता बनर्जी पर ऐसे बरसी कि जैसे कि मानो ममता बनर्जी भारत की महिला ना हो करके सीधे वो पाकिस्तान से भारत में रह रही हूं। हालांकि इस ट्वीट के बाद में जो एक्शन लिया गया, ट्विटर ने लिया, वो वाकई में सराहनीय है। हालांकि लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई, लेकिन उस प्रतिक्रियाओं का असर ट्विटर नजरअंदाज करता है। ट्विटर सीधे तौर पर देखता है कि आप देश की भड़काने वाली भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, यानी कि आपको पहले मौका भी देता है। पहले कई बार ऐसे आपने वीडियो देखे होंगे कंगना रनौत के, वो जब चाहे मुंबई में जब उसका घर गिराया गया तब उसने विवादित बयान दिया, सीधे सरकार के खिलाफ बयान दिया, यहां तक कि कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी भी मुहैया है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में जो तमाचा पड़ा है कंगना रनौत को, उसको लेकर अब फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो वाकई में बेहद खुश हैं। एक नाम है राखी सावंत। वाकई में राखी सावंत और कंगना रनौत के बीच में तनातनी के किस्से या तनातनी के ट्वीट या तनातनी के बयान बखूबी आपने देखे होंगे। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थिति में क्या हुआ, ये फिर आप एक बार हिंदी में पढ़िए, वो आप इंग्लिश में पढ़े थे सबसे पहले। ये भयानक है, इस गुंडई को खत्म करने के लिए हमें इसमें भी बड़े लेवल की गुंडई दिखाने की जरूरत है। ममता, वो ममता एक दानव की तरह है जिसे खुला छोड़ दिया गया है मोदी जी। उन्हें काबू करने के लिए कृपया अपना 2000 दशक के शुरुआत वाला विराट रूप दिखाइए। ये उसी ट्वीट का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि दानव तक भी मुख्यमंत्री को बोला। ऐसी महिला को जो अपना पिछले कई दशकों से पूरी तरीके से बंगाल के प्रति समर्पित है, लेकिन मोदी के लिए समर्पित, लेकिन बीजेपी के लिए समर्पित कंगना रनौत अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं, लेकिन इस बार ये विवाद उनको महंगा पड़ गया, और मौजूदा वक्त की स्थिति में एक ऐसा करारा तमाचा पड़ा है कि वाकई में अब कंगना रनौत तिलमिलाई घूम रही है। तिलमिलाई शब्द इसलिए बोलेंगे कि वाकई में जब पहले भी ऐसे बयान आए तो उनके जो बयान निकल के आते थे वो सामने वाले व्यक्ति या सामने वाली चीजों के प्रति जितना आक्रोश आप वीडियो में देखते थे वो किसी से छिपा नहीं है। हालांकि अब आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त की स्थिति और परिस्थिति तय करेगी, लेकिन मौजूदा वक्त में मैं फिर से कहूंगा कि कंगना रनौत का वक्त वाकई में खराब है। नमस्कार, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, कुछ जानकारी मिल पाई हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर
छोटी सी बेल आइकन पर आल बटन का जरूर दबाएं।